तो बच्चों हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 और हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट समझा था कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने किया था फर्स्ट डेरिव टेस्ट और सेकंड जो मेथड था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए वन बाय वन हम इन टेस्ट के ऊपर जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक से। हमने फाइंड करना ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x+3। तो आप यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ पहला हमारा स्टेप क्या है उसमें, कि हमने क्या फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, कितना आ गया 3x²-3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था आपको याद हो, मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि हमने जो डिस्कस किया था। हमने कहा था मैक्सिमम कब होगा, हमने मैक्सिमम कब बोला था कि जो एफ डैश एक्स है, अगर आपके पास ग्राफ से आपको ज़्यादा समझ आएगा, हमने एक यह ग्राफ किया था, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और ये मैक्सिमम का था कंडीशन, तो इसमें हमने ये ऐसे स्लोप करके समझाया था मैंने, तो ये वाली स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब प्लस से हम कहाँ जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो तो इधर वाली जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाती है, विद एक्स एक्सिस जो है वो एंगल बनाती है, तो वो ग्रेटर देन 90, सो ये स्लोप नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लोप गई आपकी, मतलब जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है, स्लोप। तो पॉजिटिव टू जब नेगेटिव जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और दूसरा हमने डिस्कस किया था दिस वन, इसमें देखिए ये स्लोप जो है हम इस तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये है हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो कि जब मिनिमम होगा तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेगेटिव टू पॉजिटिव किसके किसके लेना आपने, जो आपको जो आपने यहाँ पे पॉइंट फाइंड किया हुआ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स आप 0 पुट करें और मेरे पास क्या बन गया, 3x²-3 = 0, और x²-1 = 0, और x = +-1। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं, एक 1 और एक -1। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है, ये हमारे कौन से पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे एट x = -1 पे, 1 पे ले लो, -1 पे ले लो, जहाँ भी आप। तो ये हमने बनाया था यहाँ पे ग्राफ, तो मैं यहाँ पे ये -1 इसके लिए ले लेता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, -1 के लेफ्ट वैल्यू लेनी है, -1 के लेफ्ट वैल्यू लेने, c-h लेना ना हमने। तो ये पॉइंट हमने हमने ये वाला पॉइंट लेना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड ले रहे हैं c-h, तो इस यहाँ पे c कौन है, -1, तो -1 से कोई लेस वैल्यू लो, नियर नियर लेनी है आपने। तो क्या मैं -1.1 ले सकता हूँ, दिस इज
लेस वैल्यू फ्रॉम माइनस वन, माइनस वन के लेफ्ट साइड होगी, तो माइनस वन आप पुट करेंगे किस में, यहाँ पे ए आप थ्री यहाँ पे कॉमन ले लें, और मैं यहाँ पे फैक्टर भी बना सकता हूँ इसके एफ डैश एक्स। अब चेक करें, माइनस वन से आपने लेस वैल्यू ली, लेस वैल्यू का मीनिंग है कि आपने माइनस वन पॉइंट वन लिया, यहाँ माइनस वन पॉइंट वन पुट करके देखें, थ्री पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस वन पॉइंट वन, ये अगेन माइनस और फिर माइनस आ दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस रहेगा, और यहाँ पे माइनस वन पॉइंट वन उसमें से वन चला गया, अगेन माइनस, और आपको क्या मिला, पॉजिटिव, क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू लेनी, क्या लेनी, राइट हैंड साइड में वैल्यू, तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू होगी, मैं इसको थोड़ा कर दूँ, जगह बन जाएगी हमारे पास। तो हमने पहले क्या किया, मैं बॉक्स बना देता हूँ थोड़ा और आपको आइडिया आ जाएगा, हमने क्या किया, हमने एक्स की वैल्यू ली, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली, यहाँ पे माइनस वन है ना, तो इसे हमने थोड़ा क्लोज लेफ्ट साइड ली, तो लेफ्ट ऑफ माइनस वन वो हमने क्या वैल्यू ली, माइनस वन पॉइंट वन, और जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो है ना। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम, राइट ऑफ माइनस वन, तो क्या वैल्यू लें एक्स की, माइनस पॉइंट नाइन ले लें, माइनस पॉइंट नाइन, देखो ना ये है माइनस वन, ये है ज़ीरो, ये क्या है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या आएगा, तो इस तरफ ज़ीरो ज़ीरो और वन के बीच पॉइंट नाइन यहाँ पे ले लिया मैंने, समझ गए, तो पॉइंट नाइन इसमें पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में, तो क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट वन एंड इफ x इज इक्वल टू माइनस पॉइंट नाइन, तो आप f डैश x की वैल्यू क्या आपके पास आएगी, ध्यान से देखो, यह पॉजिटिव, ये है x माइनस वन, तो x आपने लिया पॉइंट नाइन और ये क्या है माइनस वन, तो दोनों माइनस है दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे पॉइंट नाइन है और ये वन है, पॉइंट नाइन से वन चला गया, पॉजिटिव मिला, और अल्टीमेटली आपको क्या मिला, लेस देन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन मतलब नेगेटिव। अब हमारा चेंजेस क्या हुआ, पॉजिटिव टू, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है, ये देखो ये है आपके पास मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है, ये आपके पास पॉजिटिव ग्राफ क्या बोलते हैं स्लोप, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे जब आप ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था एक्स इक्वल टू माइनस वन, और जब आपने यहाँ ले लिया थोड़ा सा आगे तो आप देखते हैं कि ये क्या बन रहा है नेगेटिव, तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, तो ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू माइनस वन ये क्या पॉइंट आ गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट आया है, क्या है लोकल मैक्सिमा पॉइंट आ गया, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना है वन, अब एक्स इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन, तो आपने पहले क्या लेना है, आप एक्स की वैल्यू क्या ले लें, वन के लेफ्ट ले लें, तो मैं यहाँ पे एक्स के लेफ्ट क्या आएगा पॉइंट नाइन, आप पॉइंट नाइन ले लें, आप यहाँ पुट करें एफ डैश एक्स, हाँ जी पॉइंट नाइन, तो पॉइंट नाइन यहाँ पुट करने पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आपके पास क्या आ गया नेगेटिव, इट मीन लेस देन, तो अगर मैं यहाँ पे एक जगह कम है तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू वन और एफ डैश एक्स की बात करते हैं यहाँ पे, चलिए तो x आपने लिया लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू वन, वो लिया आपने x इज इक्वल टू पॉइंट नाइन, और आप
आपको यहाँ पे क्या मिला है, नेगेटिव मिला। अब आप क्या करें, इसके राइट ले लो, इफ एक्स इज इक्वल टू 1.1, राइट क्या होगा 1.1, और एफ डैश एक्स आपके पास क्या बनेगा, देखो 1.1 इसमें से करेंगे पॉजिटिव, 1.1 और 1 ऐड करेंगे क्या बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो आपको यहाँ पे क्या मिला प्लस, आपने लिया राइट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इक्वल टू 1.1। तो हमारे पास चेंज क्या आया, साइन में क्या चेंजेस आई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जो हमारे पास कंडीशन है वो देखो यहाँ पे थी, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट गए, तो आपने यहाँ पे आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला, पहले नेगेटिव का मीनिंग हुआ कि ये यहाँ पे नेगेटिव है देखो स्लोप, और जैसे आप एक्स इज इक्वल टू 1 के राइट गए तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन है, मिनिमा, लोकल मिनिमा, तो आपको लोकल मिनिमा मिला एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और आपको लोकल मैक्सिमम मिला एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस प्रकार आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने वैल्यू भी फाइंड करनी है किसकी, लोकल वैल्यू कितनी, लोकल मिनिमा कितना है, तो आप क्या करेंगे एक्स इक्वल माइनस वन को इसमें पुट कर दें, किसमें, इसमें आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू, जैसे एफ ऑफ माइनस वन पुट करेंगे तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, या अगर जो माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इक्वल टू 1 पे देखिए 1 क्या आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ या ओ सॉरी, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 1, तो देखो माइनस 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 5, और 1 के ऊपर कितनी आगे वैल्यू 1, तो आपको लोकल मैक्सिमा वैल्यू भी मिल गई, लोकल मिनिमा वैल्यू भी मिल गई, ठीक है जी। तो ये सिर्फ जस्ट एक समझाने के लिए थे कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको अप्लाई करना पड़े तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपको जो क्वेश्चन आने वाला है वो उसमें यूज़ ही सेकेंड ऑर्डर, जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यूज़ होगा। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने फाइंड करना है इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पहले पॉइंट फाइंड करना है फिर हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है उन पॉइंट्स के ऊपर इसकी, जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, और कंडीशन आपको दी है कि जो जहाँ पे आप एक्स फाइंड करेंगे वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में उसकी वैल्यू रहेगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने वैल्यू चूज़ करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आप मेरे साथ करें। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है कि इसे हमने डिफरेंशिएट करना है, हमने कल डिस्कस किया था जो भी आपको फंक्शन गिवन है आपका पहला स्टेप है उनको डिफरेंशिएट करना है। आप इसे डिफरेंशिएट करें तो एच डैश एक्स आ गया, और ये मेरे के पास बन गया कोज एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमने इसे पुट करना है 0 के इक्वल, आप 0 के इक्वल पुट कर दें, पुट एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और मेरे पास यहाँ पे कोज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी पाई बाई 4, और यहाँ पे आपको पता है टेन थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने एक्स की वो वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि इसने कंडीशन लगा रखी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपने चूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी और वैल्यू भी है जहाँ पे टेन एक्स जो है वो 1 होता है, दैट इज 3π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो वो हमने लेनी नहीं है कंडीशन के से। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने यूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
तो सेकंड डेरिवेटिव निकालें, आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, क्या बन गया? माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन देखेंगे, चेक करेंगे कि इसका जो साइन है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर एफ डैश एक्स जो है वो बन गया आपके पास माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कोस पाई बाई फोर, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो बन गई माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, और अगर आप ये सॉल्व कर लें तो माइनस रूट टू आर लेस देन ज़ीरो। हमने जस्ट क्या चेक करना है कि जो डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या वो लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो है, तो हमने कल किया था कि डबल डेरिवेटिव जो है अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो जो आपने पॉइंट लिया हुआ है एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर वो क्या है, इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया, और हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है कि इसकी इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो तो मैक्सिमम वैल्यू इज, हाँ जी, एच पाई बाई फोर, और वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, डेरिवेटिव में पुट करना है कि फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है। जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किस में पुट करेंगे, फंक्शन में। तो आप फंक्शन में पुट करें, कितना आ गया, साइन पाई बाई फोर प्लस कोस पाई बाई फोर, दिस इज वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू आप सॉल्व करें तो रूट टू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। दो ही चीज़ें हमने करनी इसमें, एक आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना और चेक करना है कि क्या वो मिनिमम है, लोकल मिनिमम है कि लोकल मैक्सिमम है, और नेक्स्ट में वो जो पॉइंट आपने निकाला उसकी वैल्यू आपने फंक्शन में पुट कर देनी है तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर वो लोकल है तो लोकल वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट का लिया है, और एग्ज़ाम में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो स्टेटमेंट के ऊपर मिलेगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, आप यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, हमने दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 16 है। कोई दो नंबर हैं जिनका सम क्या है, 16, और सेकंड हमें क्या दे रखा है कि उनका जो सम है किसका, हूज क्यूब, जो नंबर्स हैं उनका अगर हम क्यूब करें और उनका सम कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमम। मतलब ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं, क्वेश्चन समझ आया कि आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, पहली कंडीशन है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 16 होना चाहिए। मान लो जैसे 9 और 7 है, 9 और 7 को ऐड करें कितना आएगा, 16। बट सेकंड कंडीशन क्या इम्पोज कर दिया है कि उन नंबर्स का जो क्यूब है और फिर उनका सम निकालेंगे तो वो मिनिमम होना चाहिए, जितने भी नंबर आपको मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या चूज़ करना है, फंक्शन। आपके पास फंक्शन नहीं है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, आपको फंक्शन गिवन था एच एक्स, आपने सीधा क्या किया, डिफरेंशिएट किया और आगे आपने इसको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, पर यहाँ पे तो फंक्शन ही नहीं है, किसको आप डिफरेंशिएट करोगे। तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है कि आपका फंक्शन क्या आएगा, अब यहाँ पे फंक्शन कौन होगा, फंक्शन होगा जिसको आपने मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना है। आप किसे मिनिमम मैक्सिमम प्रूव कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, फिर से देखो, आप मिनिमम किसे कह रहे हैं, सम ऑफ हूज क्यूब,
वो जो नंबर हैं उन नंबर्स का जो सम, क्यूब का सम है, क्यूब का जो सम होगा उसे आपने मिनिमम प्रूव करना है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, नंबर्स का क्यूब और उनका सम। बात समझ आए? अब हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि टू पॉजिटिव नंबर है और उनका सम कितना है, 16 है। तो मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट एक्स कोमा 16 माइनस एक्स बी टू पॉजिटिव नंबर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हमें इसने क्या कहा कि दोनों का सम कितना हो चाहिए, 16। मैंने एक x ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, 16 माइनस x, दोनों को ऐड करो एन 16। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिख रही हैं कि इसको ऐड कर देती हैं, ऐड कर रही हैं, मतलब अलग अलग ले रहे हैं। तो उसमें एक नंबर को उसने x ले लिया, दूसरे को y ले लिया और x प्लस y इज इक्वल टू 16 कर दिया ऐसे करके। तो मैंने क्या कर दिया, एक को x ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया, 16 माइनस एक्स। अब जो फंक्शन मैंने बात की कि आपने फंक्शन क्या चूज़ करना है, आपको कैसे पता चलना है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे कि इन नंबर्स का जो क्यूब का सम है वो मिनिमम है, तो वो आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट पी बी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। तो मेरे पास क्या बन गया, P, और मैंने क्या किया, सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। नंबर क्या है इसका, क्यूब। दूसरा नंबर क्या है, और बीच में क्या आ गया, प्लस। तो ये आपके पास क्या बन गया, फंक्शन। क्या बन गया आपके पास, फंक्शन बन गया। अब आपने इसे प्रूव करना है कि जो P है ये क्या है, मिनिमम। क्या प्रूव करना है, मिनिमम। इसका मतलब P को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ वेरिएबल x है, तो आपको एक क्रिटिकल डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। मिनिमम कहाँ से मिल गया, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो डिसाइड करेगा कि वो जो पॉइंट आपने निकाला क्या वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो चलिए करें, डिफरेंशिएट करके देखें डी पी डी एक्स, तो क्या आ गया, 3x2, यहाँ पे 3 माइनस एक्स होल स्क्वेयर और माइनस 1, और ये बन गया 3। यहाँ पे अगर आप चाहे तो कॉमन निकालना निकाल सकें, नहीं निकालना तो रहने दो। 3x2 माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज डी बी डी एक्स। तो आपने डेरिवेटिव निकाल लिया इसका। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आपने क्या करना है, पुट करना है डी पी डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो इसको पुट करो इज इक्वल टू ज़ीरो के और एक्स की वैल्यू बताओ क्या बन गई, फाइंड करके बताएं। 3x2 माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सॉल्व करना चाहिए ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ओपन भी कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 3 से ये डिवाइड हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और मैंने ओपन कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर एक्स कैंसल, 32x इज इक्वल टू 256 और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 8 आ गई। तो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस। तो x यहाँ पे 8 है तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने क्या करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है कि क्या ये लोकल मिनिमा पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हाँ जी, हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, और डबल डेरिवेटिव निकाल के उस वैल्यू को रखेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो चलो करिए डबल डेरिवेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया डी स्क्वेयर पी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो आपने डेरिवेटिव कहाँ किया, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, तो यहाँ क्या बन गया 6x, और ये आ गया माइनस सिक्स, 16 माइनस एक्स और पावर 1, और फिर 16 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए नू लगना है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो एट x इज इक्वल टू 8, तो डी टू पी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 6, 16 माइनस 8, तो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव। देखो 48 और 16 माइनस 8 अगेन 48, 96, so 96 क्या होता है ग्रेटर देन 0। सो क्या आपको क्या मिला, आपको ये कौन सा पॉइंट मिला, क्या ये लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है। क्या याद कर रहे हो तुम लोग, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो लोकल मिनिमा मिलेगा, इसका मतलब आपने पिछले वाला जो लेक्चर है वो आपने ध्यान से नहीं सुना है। अभी भी मैंने क्वेश्चन करते वक्त पहले भी बताया आपको कि जब आपको डबल डेरिवेटिव जो आपने किया है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, वहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आप पुट करके देखते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो आपके पास मिनिमम है। तो कहाँ सो रहे हो, जाग रहे यार हैं? ये देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया, डेरिवेटिव किया हमने, मेरे पास x इक्वल पाई बाई 4 आया, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में मैंने जब पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई नेगेटिव, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे maxima. लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखें डबल डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये कौन है, मिनिमा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफोर पी इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। जब x की वैल्यू 8 होगी तो जो आपने p लिया हुआ, आपने p क्या लिया हुआ कि इनके क्यूब का जो सम है, जो नंबर्स बनेंगे उनका जो क्यूब का सम है वो मिनिमम होगा 8। तो नंबर्स क्या है, फिर नंबर्स आर, आपने क्या नंबर्स मांगे लेट किए थे, x और 16 माइनस 8, तो x कितना आ गया, और 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। तो 8, 8 ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 16 होता है और जिनके क्यूब का सम मिनिमम होगा, बाकी जितने नंबर है जिनका सम 16 बनता है उनका अगर हम क्यूब करें तो वो इससे ज़्यादा ही आएगा, आप चेक करके देखना। ओके okay?